इन चार टीमों का प्लेऑफ पक्का, अब कोई नहीं रोक पाएगा रास्ता, अब दूसरी टीमों की खत्म हो गई उम्मीदें। आईपीएल 2022 में अब काफी कुछ बदल चुका है, जिस तरीके से मुकाबले चल रहे हैं उसे देखकर तो अब यही लगता है कि अब प्लेऑफ में जाने वाली चार टीमें तय हो गई है, क्योंकि सीएसके ने जिस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स को हराया उसके बाद अब आगे का सफर काफी बदल चुका है, क्योंकि एक समय तो लग रहा था कि प्लेऑफ में जाने की रेस बड़ी लंबी है, लेकिन अब दिखाई पड़ रहा है कि वो चार टीमें लगभग तय हो चुकी है जो प्लेऑफ में जाने वाली है। दिल्ली की हार और आरसीबी की जीत ने सब बदल दिया। आईपीएल 2022 में सुपर संडे काफी अहम था, क्योंकि इस दिन उन दो टीमों का मैच होना था जो प्लेऑफ में आगे जाने की राह तलाश रही थी, एक तरफ आरसीबी तो दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स। आरसीबी ने जहां मुकाबला जीत लिया वहीं दिल्ली कैपिटल्स सीएसके के सामने हार गई। ऐसे में अब ये देखकर लगता है कि आरसीबी की टीम धीरे धीरे प्लेऑफ में एंट्री मार रही है, क्योंकि आरसीबी अब पॉइंट्स टेबल में नंबर 4 पर मौजूद है और दिल्ली को देखकर लगता है कि उनका आगे का सफर अब काफी मुश्किल होने वाला है। गुजरात, लखनऊ, राजस्थान और बेंगलोर का जाना पक्का। आईपीएल 2022 के पॉइंट्स टेबल पर नजर डाली जाए तो लखनऊ सुपर जॉइंट्स की टीम 11 मैचों में 8 जीत 3 हार के साथ 16 अंक लेकर पहले नंबर पर मौजूद है। वहीं गुजरात टाइटंस के 11 मैचों में 8 जीत 3 हार के साथ 16 अंक ही हैं, लेकिन वो दूसरे नंबर पर मौजूद है। राजस्थान रॉयल्स के 11 मैच में 7 जीत 4 हार के साथ 14 अंक हैं और वो तीसरे नंबर पर मौजूद है। राजस्थान रॉयल्स का भी यहाँ से बस एक जीत की तलाश है और उनके पास कुल 3 मैच बचे हैं, यानी कि राजस्थान रॉयल्स का भी आईपीएल 2022 के प्लेऑफ में लगभग पहुंचना पक्का ही है। वहीं दूसरी तरफ आरसीबी की बात की जाए तो आरसीबी के 12 मैचों में 7 जीत 5 हार के साथ 14 अंक है और आरसीबी पॉइंट टेबल में नंबर 4 पर है। आरसीबी के पास अब 2 मैच बचे हैं, उनमें से उन्हें सिर्फ एक ही जीत तलाशनी है, और अगर आरसीबी ऐसा करने में कामयाब होती है तो वो पॉइंट टेबल में नंबर 4 पर रहेगी और वो सीधे प्लेऑफ में एंट्री कर जाएगी। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की बात की तो उनके 11 मैचों में 5 जीत 6 हार के साथ 10 अंक है और वो पॉइंट्स टेबल में नंबर 5 पर मौजूद है। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के लिए मुश्किल ये है कि अब उन्हें अगले 3 में से 3 मुकाबले जीतने हैं और ये किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता। ऐसे में माना जा रहा है कि अब जो पॉइंट्स टेबल में 4 टीमें मौजूद है वही प्लेऑफ में एंट्री करने वाली है। पंजाब दिल्ली का अब क्या सफर खत्म है। पंजाब की और दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली कैपिटल इस समय 11 मैचों में 5 जीत 6 हार के साथ 10 अंक लेकर पॉइंट्स टेबल में नंबर 5 पर है। वहीं पंजाब की टीम 11 मैचों में 5 जीत 6 हार के साथ पॉइंट्स टेबल में 10 अंक लेकर नंबर 7 पर है। ऐसे में अब पंजाब हो या दिल्ली, उन्हें अगले बचे 3 में से 3 मुकाबले जीतने हैं, जो किसी भी तरीके से आसान नहीं होने वाला। वहीं राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी के लिए स्थिति यह है कि अपने अगले अगर कुछ मुकाबलों में वो एक आध मैच हार भी जाती है तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी और वो प्लेऑफ में आसानी से क्वालिफाई कर जाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पॉइंट्स टेबल में अभी जो 4 टीमें टॉप 4 में है वही प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप क्रिकेट सूत्रा को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए।